तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के एक नए फीचर के बारे में, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्सएप के एक कमाल के नए फीचर के बारे में, जो कि है ईमेल एड्रेस से रिलेटेड। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही काम का ही वाला फीचर है, जो कि बहुत टाइम पहले आना जाना चाहिए था, बट अभी रिसेंटली इसको रोल आउट कर रहे हैं। फिलहाल ये बीटा यूज़र के लिए आया है। क्या ये फीचर है, कैसे यूज़ करेंगे, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे WhatsApp चैनल को भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ WhatsApp के नए अपडेट्स के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने WhatsApp को अपडेट कर लेना है। WhatsApp पे फिलहाल ये बीटा वर्जन पे आया है और बीटा वर्जन पे पहले ही आ चुका था मेरे पास, तो ये पहले आ चुका था, बट बीटा वर्जन पे भी उन्होंने आज ही इसको रोल आउट किया गया है। तो इसको ओपन कर लेना है WhatsApp को अपडेट करने के बाद। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ थ्री डॉट्स पे और यहाँ चले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जब जाएंगे तब यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट वाले सेक्शन पे और आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा होगा ईमेल एड्रेस करके, जो कि पहले नहीं आता था, अभी रिसेंटली यहाँ पर एड ऑन किया गया है। अब ये काम क्या करेगा, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, ईमेल हेल्प यू टू एक्सेस योर अकाउंट इफ इट इज नॉट विजिबल टू अदर। ये काम ये करेगा, विल सेंड वेरिफिकेशन कॉल ईमेल एड्रेस। इसका मेन काम यह है कि जैसे क्या हो रहा था, मान लो अगर आप WhatsApp को बार बार लॉग आउट करते थे या बार बार मोबाइल चेंज करते थे, आप देखते होंगे कभी कभार OTP नहीं आता था, बहुत मुश्किल होती थी लॉगिन करने पे WhatsApp पे। तो आप इसके थ्रू भी वहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे अपनी मेल आईडी के थ्रू भी, मेल आईडी उसमें एड ऑन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपनी एक मेल आईडी यहाँ पर डाल लेनी है। मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप आपकी मेल आईडी पे एक मेल आएगा, वो आपको पहले यहाँ पर डालना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। तो मेल में चेक कर लेता हूँ, इसको डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर नीचे लिखा जाएगा वेरीफाइड, अब इसका मतलब ये है कि अब जो भी चीज़ आप है आप इसके थ्रू यहाँ पर मेल पे कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा बहुत ही शानदार फ़ायदा है। अगर आप इसमें अपना लॉगिन करते टाइम जो अपनी वो पास की बनाई है, या बोल सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बनाया है, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने ईमेल, जैसे कि आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन बनाया होगा ना, इसमें अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप अपने मेल आईडी के थ्रू उसको भी रिकवर कर पाएंगे। हो सकता है आप अपना बैकअप भी इजीली इस मेल आईडी के थ्रू भी ट्रांसफर कर पाएं आने वाले टाइम पे। फिलहाल इसका यूज़ ये है कि अगर आप इसको लॉगिन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपनी मेल आईडी के थ्रू भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार फीचर लगा। मुझे लगता था ये फीचर बहुत पहले आ जाना चाहिए था, फाइनली उन्होंने अब ये रोल आउट कर दिया है। तो यही नया अपडेट था WhatsApp की तरफ से, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, WhatsApp पे मुझे फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर करना ताकि बहुत लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।